शुहेब अख्तर मेंढक बरसाती मेंढक तो शुएब अख्तर ने दोस्तों फिर से एक बार स्टार्ट कर दिया है बयानबाजी। शुएब अख्तर ने कहा है कि 2023 वर्ल्ड कप जो अभी इंडिया में होने वाला है उसमें मेरा एक बड़ा सपना है। चौथी चीज है जो मेरी रहेगी मेरी लाइफ के अंदर। तो मतलब कि उन्होंने बता दिया कि मेरी लाइफ की जो आखिरी ख्वाहिश है वो ये रहेगी कि मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप जीते इंडिया के अंदर, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर हम ट्रॉफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट का नाम है। मैं दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। शुएब अख्तर ने कहा है कि वह भारत में होने वाले 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और भारत में वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वह वानखेड़े स्टेडियम में अपना नेशनल एंथम गाना चाहते हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुहेब अख्तर मेंढक बरसाती मेंढक तो शुएब अख्तर ने दोस्तों फिर से एक बार स्टार्ट कर दिया है बयानबाजी। शुएब अख्तर ने कहा है कि 2023 वर्ल्ड कप जो अभी इंडिया में होने वाला है उसमें मेरा एक बड़ा सपना है। पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूं और हिंदुस्तान की जमीन पर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाना चाहता हूं, उनके साथ एक साथ गाना चाहता हूं और उनसे जीतना चाहता हूं। उसने साथ में ये भी कहा है बेन स्टोक्स ने कि जिंदगी में मेरे सारे सपने पूरे हो गए। झूठ बोल रहा है। बड़ा गरीब है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग 2011 को भी तो आए थे जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, फिर ये क्यों बोल रहा है कि मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूं। तो भाई उस वक्त ये हार गए थे। तारीख गवाह है, ऊपर वाला गवाह है कि अभी तक सिर्फ एक बार ये जीते हैं इंडिया से, जब भी देखा हारे हैं साले। चौथी चीज है जो मेरी रहेगी मेरी लाइफ के अंदर। तो मतलब कि उन्होंने बता दिया कि मेरी लाइफ की जो आखिरी ख्वाहिश है वो ये रहेगी कि मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप जीते इंडिया के अंदर, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर हम ट्रॉफी उठाएं और हमारा नेशनल एंथम चले इंडिया के अंदर। वर्ल्ड कप जीतने का जिसको कहते हैं ना अलग ही मजा होता है। जो मोहाली का चैप्टर है वो क्लोज है, शुएब अख्तर ने ये कहा। इसी के साथ उन्होंने एक और चीज कह दी कि वीरेंद्र सहवाग इंडिया के जो ओपनर है उनको ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं है, उनको 10 में से 1 नंबर दिया है। किस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो कहते समझते हैं कि इनको ड्रेसिंग जिसको कहते हैं, जो ये ड्रेसिंग करते हैं इनको सूट नहीं करती। दोनों का आपस में बड़ा मजाक है, दोनों जिसको कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को ऐसे ही तंग करते रहते हैं। लेकिन शुएब अख्तर की विश क्या पूरी होगी, शाहिद खान अफरीदी जिसको कहते हैं मैनेजमेंट में, इसी के साथ साथ नजम सेठी भी है, क्या शुएब अख्तर को पाकिस्तान टीम के साथ 2023 के वर्ल्ड कप में रखा जाएगा? तो ये अपने आप को जो है वो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहता है। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस पुत्र, जब तू साथ खेल रहा था कुछ नहीं उखाड़ पाया, अब जब तू नहीं खेलेगा तो क्या उखाड़ लेगा ये पापड़ आजम। और रही बात एंथिम की कि मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पे अपना एंथिम गाना चाहता, तो बेटा ये चीजें ना, ये बेकार की बातें करना बंद कर दे। खलास हो गया है तेरा देश, तेरे देश में कुछ नहीं बचा। अगर बचा है तो पुस्कियां बची है, पुस्कियों की बारात आ रही है बस, और कुछ भी नहीं बचा है। तो ये बातें करना छोड़ दे। अगर किसी देश में नेशनल एंथम पढ़ना या सुनना इतनी बड़ी बात है तो तेरे देश में सिनेमा में इतने पाकिस्तान की मूवियां लगती थी या लगती है, या पूरे देश में तुम लोग पाकिस्तान की मूवी हिंदुस्तान की मूवियां देखते हो, तो कितना सुना होगा हिंदुस्तान का नेशनल एंथम तुम लोगों ने पाकिस्तान में। और फिर तुम लोगों को इतना चिढ़ क्यों है हिंदुस्तान से भाई, तुम्हारे दादा सारे हिंदुस्तान के थे। सालो कन्वर्टर मुसलमानों, तुम लोग तो थे ही हिंदुस्तान के भाई, हिंदुस्तान के लोग थे, तुम्हारे दादाओं ने सुना है नेशनल एंथम बड़े एहतराम से आदाब से। अब तुम्हें क्यों इतनी चिढ़ हो रही है? जो किसी जो बंदा अपने दादा का ना हो सका वो फिर किसी